कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है, जिसके लिए लाखों की संख्या में जो है भीड़ यहां पर जुटी हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जहां पर हरियाणा पवेलियन और असम पवेलियन आपको बोर्ड लगे हुए दिखेंगे, और अंदर पूरा हरियाणा और असम की जो संस्कृति है उसको दर्शाया गया है। जिस तरीके से आज उपराष्ट्रपति को आना है और सीएम मनोहर लाल खट्टर को पहुँचना है, उसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। 44 भी आपको पता है कि किस तरीके से यहाँ पर लगाई गई है और जैमर लगे हुए हैं। अंदर अगर कोई भी आता है तो उसकी फुल सिक्योरिटी के का जो पर्पस है वो रखा गया है और हर चेकिंग की जा रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी रणदीप रोर हैं, जो कि इस अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव चल रहा है उसको कवर कर रहे हैं। सर, जानना चाहूंगी किस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और आज जिस तरीके से उपराष्ट्रपति आने वाले हैं और सीएम आने वाले हैं, तो उसका खासा इंतजाम क्या कुछ किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत हाई अलर्ट है एक तरह से, क्योंकि मामला उपराष्ट्रपति का है और यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हाई सिक्योरिटी है और करीब यहाँ पर कई जो एसपी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है, कई डीएसपी हैं, कई सेक्टरों में पूरा का पूरा बांटा गया है। लेकिन जो पूरा का पूरा ये कह सकते हैं कि सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम हैं, हर तरह के कोई कोताही नहीं बरतना चाहते, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव है और उपराष्ट्रपति यहाँ पर पहली बार जो है जगदीप धनखड़ जी पहुंच रहे हैं, उसका एक तरह से विधिवत शुभारंभ करेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह से हरियाणवी पेविलियन का शुभारंभ करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, उसके बाद जो है असम जो पेविलियन है उसका भी अवलोकन करेंगे। इस मौके पे एक जो प्रदर्शनी हरियाणा लोक संपर्क विभाग द्वारा लगाई गई है उसका भी अवलोकन करेंगे, उसके बाद जो है आरती में शिरकत करेंगे, उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी रहने वाले हैं। और बड़ी बात यह है कि सुरक्षा की आप देख सकते हैं किस तरह से चाक चौबंद जो है व्यवस्था की गई है यहाँ पर, और लाखों की संख्या में जो पर्यटक हैं वो आज पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज रविवार का दिन है और शिल्प मेला जो है 7 तारीख से यहाँ पर चल रहा है, करीब 10 दिन उसको हो चुके हैं। तो लाखों की संख्या में आज रविवार और जो एक तरह से शनिवार का जो दिन होता है यहाँ पर सर्वाधिक जो पर्यटक हैं वो पहुंचते हैं, आज फिर जो रविवार है इसकी वजह से भारी संख्या में जो पर्यटक है वो पहुंच रहे हैं। जी अक्सर देखते हैं हम कि सैकड़ों या हजारों की संख्या में ही लोग जुट पाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या खास है कि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए लाखों की संख्या में यहीं पर आते हैं, हमेशा ही आते हैं तकरीबन, लेकिन शनिवार इतवार को जो संख्या है वो बहुत ज्यादा होती है। इस बार फिर जो करीब 3 शनिवार 3 रविवार जो बीच में आ रहे हैं गीता जयंती महोत्सव के, तो इसलिए ज्यादा संख्या है। और जहां तक की बात है कि जो पूरा का पूरा जो देश के जो विभिन्न राज्य हैं उनकी जो शिल्प कला है उसका प्रदर्शन, उसकी जो बिक्री एक तरह से देखने के लिए लोग आते हैं, लोक संस्कृति जो है, अलग अलग जो प्रदेशों के जो लोक कलाकार हैं वो अपनी लोक कला की यहाँ पर प्रस्तुति करते हैं, उसको देखने के लिए लोग आते हैं, खास तौर से गीता की स्तुति के लिए लोग आते हैं। जो तरह तरह के जो लोग हैं, तरह विभिन्न वर्गों से जो लोग हैं, विभिन्न राज्यों से जो लोग हैं, वो इस बड़े समारोह में शिरकत करते हैं। और यही है कि लाखों की संख्या में आज जो है यहाँ पर एक तरह से आंकड़ा जो रिकॉर्ड तोड़ आज हो सकता है। जी बिल्कुल, आप शुरुआत से ही इस गीता महा जो उत्सव है उसको कवर कर रहे हैं, तो लोगों से भी बातचीत की होगी, क्या कुछ रिएक्शन होता है लोगों का और कितनी खुशी होती है लोगों में? जी बिल्कुल, देखिए लोगों में इंतजार रहता है कि कब गीता महोत्सव का आगाज होगा, कब गीता जयंती शुरू होगी, और कई बार नवंबर के महीने में आती है, कई बार दिसंबर के महीने में आती है, क्योंकि ये मार्गशीर्ष जो महीना होता है शुक्ल एकादशी का, उस दिन गीता का जो एक तरह से उद्भव हुआ था, उसका एक तरह से प्रकट हुई थी, जो
भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से जो उपदेश दिया था, तो उस दिन जो है गीता का एक तरह से समापन रहेगा समारोह का। उस दिन जो है एक तरह से मुख्य अतिथि जो भी यहाँ पर आएंगे वो एक तरह से दीपदान करेंगे, उसके बाद जो है एक तरह से ये कह सकते हैं विधिवत रूप से जो गीता जयंती महोत्सव है वो उसका समापन हो जाता है। और ये कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोग एक तरह से गीता का जो श्लोक है उसके उच्चारण करेंगे। और एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ गीता ज्ञान संस्थानम जो है उसकी तरफ से एक बड़ा अद्भुत प्रयास किया गया है। प्रयास ये किया गया है कि आज जो है एक मिनट गीता के लिए, और एक एक जो मिनट है वो सिर्फ और सिर्फ गीता के तीन जो श्लोक हैं, तीन श्लोकों के लिए दिया गया है। आप कहीं भी हैं देश में दुनिया में, आप एक मिनट गीता के लिए दें और उस एक मिनट में तीन श्लोक बताए गए हैं। तो एक मिनट गीता के लिए, उसमें ये बताया गया कि हम नेक बने, हम एक बने। और ये जो गीता ज्ञान संस्थानम है स्वामी ज्ञानानंद उनकी तरफ से प्रयास किया गया है। और इसमें यह माना जाता है कि आज जो है उस वक्त जिस वक्त सबके सब पूरे देश में इस तरह का उच्चारण होगा, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं एक तरह से इसका इसके साथ जुड़ेंगे, गीता जो श्लोक उच्चारण है वो करने का जो प्रयास है वो करेंगे। और एक तरह से असल मायने में ये कह सकते हैं कि गीता जयंती जो सार्थकता है उसी कहीं ना कहीं दिखाई देगी। आप देख सकते हैं ये कैमरा पर्सन को मैं कहूँगा कि जो गीता जो आरती जो स्थल है वो भी सामने दिखाई दे रहा है जहाँ महाआरती होती है। यहाँ पर एक तरह से नियमित रूप से आरती चलती है, लेकिन आज जो विशेष ये रहेगी क्योंकि उसमें उपराष्ट्रपति भी जो शिरकत करने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आरती होगी और उपराष्ट्रपति यहाँ पर आरती जो होगी उसमें मौजूद रहेंगे और सीएम मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लाखों की संख्या में इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का लुफ्त उठाने के लिए जो है लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ब्रह्म सरोवर तट का ये नजारा अपने आप में ही ऐतिहासिक है, क्योंकि यहाँ पर आज एतवार के दिन लाखों की संख्या में लोग अलग अलग राज्यों के जो रंग बिखरे हुए हैं, अलग अलग राज्यों की जो संस्कृति है उसको देखने के लिए पहुंच रहे हैं। ये नजारा देखिए किस तरीके से आपको ताश के पत्तों की तरह यहाँ पर लोग बिखरे हुए नजर आएंगे, और जो पानी है उसकी जो लहरें हैं पतली पतली वो आप देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और जो लोग हैं वो अब ये जो महोत्सव चल रहा है उसका पूरी तरीके से भरपूर तरीके से लुफ्त उठा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है कुरुक्षेत्र में, और आज उपराष्ट्रपति जो हरियाणा पवेलियन है और असम पवेलियन है उनका उद्घाटन करेंगे, तो उसके बाद जो है लोग हरियाणवी संस्कृति के बारे में भी जान पाएंगे। और ये मेला जो लगा हुआ है, जो ये महोत्सव चल रहा है वो अपने आप में ही खास है। बता दें कि लगातार जिस तरीके से आज उपराष्ट्रपति को आना है और सीएम मनोहर लाल को आना है, तो उसको देखते हुए भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति जो है वो अंदर किसी भी तरीके का कोई औजार नहीं ले सकता है, ला सकता है, चाहे वो चाकू हो, छुरी हो, या फिर कोई भी तलवार या फिर कोई भी घातक चीज जो है वो अंदर नहीं ला सकता है। और धारा 144 लगी हुई है, और जो नेट की दिक्कत बताऊं वो भी यहाँ पर है। तो अगर आप किसी तरीके की कोई वस्तु लेके आ रहे हैं तो वो ना लेकर आए, क्योंकि आपको अंदर जो है वो एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये नजारा अपने आप में एक ऐतिहासिक है। और वो ये देखिए किस तरीके से जो पानी है वो भी एक ऐतिहासिक ही है, क्योंकि आज भले ही सर्दी का मौसम हो लेकिन आज धूप निकली हुई है अच्छी, और जो लहरें हैं वो भी इस गीता महोत्सव का आनंद उठा रही हैं। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, और ये एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। तो अलग अलग संस्कृति यहाँ पर दिख रही है, विभिन्न राज्यों के जो कलाकार हैं वो पहुंचे हैं और अपने जो संस्कृति है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर हरियाणा से बाहर के जो लोग हैं वो हरियाणा के बारे में नहीं जानते हैं तो वो हरियाणा के बारे में जान सके, जो असम के लोग हैं वो हरियाणा के बारे में जान सके, और जो हरियाणा के लोग हैं वो दूसरे राज्यों की जो संस्कृति है उसके बारे में जान सके। तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ये तस्वीरें बेहद ही खास है।
तो लगातार हम आज आपको ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे और ब्रह्म सरोवर तट पर क्या कुछ नजारा है, किस तरीके से ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है होने वाला है, क्या कुछ खास होने वाला है, वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। कुरुक्षेत्र से आरती जांगड़ा, वीरेंद्र मेहरा के साथ पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।